फीस दे रहे हैं जो शासन से निर्धारित है और बच्चे का भविष्य भी हमारे साथ जोड़ रहे हैं, तो हमको उनके साथ बड़ी ईमानदारी से लग करके वो उतना वापस करना चाहिए कि जब उस संस्था से छात्र निकले तो एक बढ़िया इंजीनियर और अच्छा नागरिक बन के निकले। इस कारण से हम लोगों ने प्रयास किया है और समाज में उसका महत्व भी मिला है और भविष्य में भी हम ऐसा प्रयास करते रहेंगे कि उसकी जो क्वालिटी है उसमें कोई गिरावट ना आए। सर, इसको गिरावट ना आने पाए इसके लिए फिर आपने कुछ मूलभूत परिवर्तन भी किए होंगे? निश्चित तौर पर मूलभूत परिवर्तन किया, थोड़ा सा समय के अनुसार, ये चूंकि प्रायोगिक है, इंजीनियर हम तभी बन सकते हैं जब, तो हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ाने का प्रयास किए, थोड़ा सा जो आधुनिकता है समय के अनुसार उसमें परिवर्तन करते गए और बहुत बड़ा तामझाम तो हम नहीं बना पाए, लेकिन भीतर से सरस्वती वहां देने में हम अभी भी कामयाब हुए और अच्छे अच्छे शिक्षक जो नियम अनुशासन में रह करके अच्छा ज्ञानवर्धक शिक्षा दें उसको लाने का हमने प्रयास किया। सर, आपने शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम किया, फिर अचानक देखा गया कि आपका रुझान राजनीति की तरफ बढ़ा और हम आपको बता दें कि डॉक्टर एस एस तिवारी बैकुंठपुर में कृष्णपज मंडी में उपाध्यक्ष हैं। आखिर ऐसी कौन सी घटना थी जिसने आपको राजनीति की तरफ अचानक मोड़ा? हम एक किसान परिवार